थिंगज ए कड़ान हाउ यू ऑल डूइंग आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड ओके सो दिस इज़ अ कॉन्टीन्यूटी लेक्चर हम लोग इन्वायरमेंट uh, जो है वो पढ़ रहे हैं दिस इज़ फॉर जेके एस एस बी एंड जो आपका विलेज लेवल वर्कर्स है उनको ये उनके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एंड दोज हुआ न्यू टू द चैनल डो नॉट गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो लेट्स गेट स्टार्टड ऑल राइट सो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में दैट इज़ द बायोजिओ केमिकल साइकिल

जो हमारे यू you नो know, पूरे एटमॉस्फेयर में हमारे अर्थ क्रस्ट के ऊपर चल रहे हैं नाउ जब हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था तो उसमें क्या होता है ना इको सिस्टम हमारी दो चीज़ों को फुलफिल करता है जिसके ऊपर हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं दैट इज़ नंबर वन फ्लो ऑफ एनर्जी तो एनर्जी का फ्लो इज़ वन ऑफ द की इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इको सिस्टम एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट इज न्यूट्रियट फ्लो क्या फ्लो न्यूट्रियट का फ्लो एनर्जी का फ्लो हमने अच्छे से पढ़ लिया है वाया फूड चेन फूड वेब इकोलॉजिकल पिरामिड्स हमने उसमें जो है वो एनर्जी को हमने अच्छे से डिफाइन कर लिया आज हम जो बात करने वाले हैं दैट इज द न्यूट्रिएंट फ्लो और ये जो फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट है ना ये किस तरीके से फ्लो करते हैं जैसे एनर्जी में आपका फूड चेन फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड्स था न्यूट्रियट के फ्लो में आपके बायोजियो केमिकल साइकिल्स आर वॉट इज रिस्पॉन्सिबल तो आज के लेक्चर में हम करेंगे आपके uh, बायोकेमिकल बायो केमिकल केमिकल साइकिल्स के बारे में आज हम सिर्फ एक ही साइकिल के बारे में पढ़ेंगे लेकिन ये लेक्चर काफ़ी डिटेल मतलब डिटेल्ड होगा तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट ले साइकिल के बारे में पढ़ेंगे आज हम सिर्फ आपके कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे लेकिन कार्बन साइकिल में जाने से पहले पहले हमको समझना है कि कार्बन साइकिल है क्या तभी हमको समझ आएगा कि ये कार्बन साइकिल में कैसे घूम रहा है नाउ जब आपका हमने एनर्जी फ्लो पढ़ा था तो आई टोल्ड यू कि जो एनर्जी का फ्लो है इट इज यूनि डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल मतलब इट इज लीनियर इट फ्लोज इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन राइट लेकिन जो आपका न्यूट्रिएंट है ना वो न्यूट्रिएंट फ्लो नहीं है वो न्यूट्रिएंट साइकिल है साइकिल का मतलब इससे गया इसको इससे गया इसको इससे गया इसको और इससे चला गया वापस इसको तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो साइकिल में फ्लो होते रहते हैं इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं ये आपके प्लांट्स थे ठीक है इनको खाया आ, ये आपका रैबिट आ गया ठीक है ये आपका रैबिट आ गया इसने इसको खाया इसको खाने वाला था आपका आ, आ, लगा लीजिए स्नेक आपका स्नेक था स्नेक को खाने वाला आ गया हॉक हॉक के ऊपर डिकम्पोजर्स जो है वो फीड करेंगे ठीक है छोटे 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 उसको हिस्सों में बांटेंगे अब ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं वो कहाँ जाके मिल गए आपके सॉइल में जाके मिल गए और यही जो सॉइल होती है जो आपका ऑर्गेनिकली रिच होती है उस ऑर्गेनिकली रिच सॉइल के ऊपर ही तो आपके ट्रीज़ और प्लांट्स अच्छे से उगते हैं तो आपने देखा ये पूरा का पूरा क्या है जहाँ से जो चीज़ स्टार्ट हुई थी ख़त्म होने के बाद मिट्टी में मिलने के बाद इसी मिट्टी में आपके वापस से प्लांट्स और ट्री या फिर आपके प्रोड्यूसर्स जो थे वो वापस से बन गए बड़े बुज़ुर्ग कह के गए हैं कि मिट्टी से ही जन्म लिया है और मिट्टी में ही मिल जाना है तो क्या है वो वो बेसिकली आपका न्यूट्रियट साइकिल के बारे में ही बात हो रही है तो याद रखिएगा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सर्कुलेशन में काम करते हैं दे आर नॉट लीनियर इट इज सर्कुलेशन एक के बाद इसको इससे से इसको इससे से इसको इससे से इसको, इससे से, इसको और वापस से ये सो द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू इको सिस्टम इट इनेबल्स दी ऑर्गेनिजम्स कि वो वेरियस काइंड ऑफ वर्क कर सके और उस काम को करने के लिए उनको दोनों चीज़ें चाहिए एनर्जी भी चाहिए और न्यूट्रियस भी चाहिए एनर्जी जो है वो रिसाइकल नहीं हो सकती है जो एनर्जी लॉस होता है वो लॉस हो जाती है इट कैन नॉट बी रीगेंड हाउ एवर न्यूट्रिएंट्स जो है वो बार बार रिसाइकल होते हैं और एक से दूसरे दूसरे से तीसरे तीसरे से चौथे में घूमते रहते हैं क्लियर हो गया ऑल राइट नाउ अब हम बात करेंगे आपके टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में क्लियर हो गया अब इसमें हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बेसिकली टू थिंग्स एक हम इसको डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट पीरियड साइकिल हो रहा है तो कितनी जल्दी कोई चीज़ बनी कोई चीज़ खत्म हुई और वापस से वहां से नई चीज़ यू नो इट केम बैक टू द फर्स्ट स्पॉट वो आ गया आपका रिप्लेसमेंट रेशो रिप्लेसमेंट पीरियड ठीक है दूसरी चीज है ऑन द बेसिस ऑफ रेजर्वायर रेजर्वायर मतलब कि कौन से मोड में एटमोसफेयर वॉटर अर्थ क्रस्ट कौन से मोड में या कहाँ पे न्यूट्रिएंट का रिसाइकल हो रहा है प्लेस उसको बोला जाता है आपका उसको ये क्यों उड़ गया उसको बोला जाता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रिजरवायर सबसे पहले हम बात करते हैं आपके रिप्लेसमेंट पीरियड के बेसिस पे अगर हम रिप्लेसमेंट पीरियड के बेसिस पे देखें तो याद रखिएगा साइकिल्स दो तरीके के होते हैं वन इज़ द परफेक्ट साइकिल एंड द अदर इज़ द इम साइकिल क्लियर हो गया परफेक्ट साइकिल cycle, वो साइकिल्स होते हैं जहां पे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इन कंपैरिज़न टू इम परफेक्ट साइकिल दे आर फास्टर इन रिप्लेसमेंट तो जब आपका साइकिल तेजी से बढ़े मतलब हंड्रेड ईयर टू हंड्रेड ईयर थ्री हंड्रेड ईयर फोर हंड्रेड ईयर इन सब कम कम पीरियड में मतलब ये बहुत कम पीरियड्स हैं न्यूट्रिएंट की रिसाइकिल में आप ये मत सोचिएगा कि सुबह आपने खाना खाया तो रात को आपने खाना खाया तो सुबह आप वॉशरूम होके आए तो भाई न्यूट्रिएंट रिसाइकल हो गया जी नहीं वो न्यूट्रिएंट रिसाइकल नहीं होता न्यूट्रिएंट रिसाइकल हो गया कि एटमोस्फेयर ने फॉर uh, एग्जाम्पल आपके ट्रीज़ ने कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया आपने राइट ऑक्स फिर रेस्पिरेशन करते हुए उसको बाहर निकाला सिमिलरली कुछ ऑक्सीजन जो प्लांट्स ने बाहर निकाला हम लोगों ने उस ऑक्सीजन को लिया और हम लोगों ने वापस से कार्बन को बाहर निकाला तो जितना यूनिट प्लांट्स ने कार्बन का इंटेक किया है हम कितना क्या हम उतना ही नंबर यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को छोड़ रहे हैं ये जो बैलेंस है उसको साइकिल कहते हैं और ये जो आपका है ना कार्बन वाला साइकिल इट इज़ बेसिकली अ लिटिल मोर फास्टर इन कंपैरिजन टू अदर इम साइकिल्स सो इसीलिए उसको बोला जाता है परफेक्ट साइकिल क्यों क्योंकि वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका रिसाइकल क्या या फिर रिप्लेसमेंट जो है वो फास्टर मोड पे होता है अराउंड टू हंड्रेड में जो है वो आपका कार्बन साइकिल जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है सो so, ये आ गया आपका परफेक्ट साइकिल इम परफेक्ट साइकिल लाइक आई सेट बिफोर कि इम परफेक्ट साइकिल्स वो साइकिल्स होते हैं जो इन कंपेरिजन टू परफेक्ट साइकिल दे टेक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सो दे टेक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो उनको बोला जाता है इन परफेक्ट साइकिल फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आपका यू नो सेडिमेंट्री जैसे कि फॉस्फरस हो गया आपका सो so, ये वाले जो साइकिल्स हैं वो आपके होते हैं इनपरफेक्ट साइकिल्स सो ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट पीरियड देर आर टू टाइप्स ऑफ साइकिल्स परफेक्ट साइकिल एंड इनपरफेक्ट साइकिल्स एंड द सेकेंड क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं साइकिल्स का दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रेजर ऑन द बेसिस ऑफ रेजर वॉयर हमने जो साइकिल्स हैं उनको दो हिस्सों में बांटा हुआ है नंबर वन इज द कैशियस साइकिल एंड नंबर टू इज द सेडिमेंटरी साइकिल क्लियर नाउ दिस साइकिल uh, क्या होता है जहाँ पे आपका रिप्लेसमेंट हो रहा है रिसाइकलिंग हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का वो दो जगहों पे हो रहा है या तो एटमॉस्फेयर पे हो रहा है या फिर आपका वाटर दैट इज़ हाइड्रोलॉजिकल है इन दोनों में से अगर इन दोनों जगहों पे अगर आपका न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हो रहा है वी टर्म इट एज गैशियस साइकिल हाउ इन इन कॉन्ट्रास्ट टू गैशियस जो आपका सेडिमेंट्री साइकिल्स है दीज आर बेसिकली दो साइकिल्स वेयर जहाँ पर जो न्यूट्रियट रिसाइकिलिंग हो रहा है दैट इज नॉट एटमोसफेयर और वॉटर दैट इज अर्थ क्रस्ट जब आपके अर्थ के क्रस्ट के ऊपर साइकिल या रीसाइकिलिंग ऑफ न्यूट्रियट्स होता है उसको बोला जाता है सेडिमेंट्री साइकिल नाउ जैसे हमने पीछे पढ़ा परफेक्ट इन परफेक्ट अगर हम गैशियस साइकिल की बात करें दे बेसिकली फॉल अंडर द परफेक्ट साइकिल्स और जो हम सेडिमेंट्री साइकिल की बात करें दे बेसिकली फॉल अंडर द इम परफेक्ट साइकिल क्लियर हो गया आपको नाउ अगर आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए क्या ऑल क्या इज देर एनी साइकिल विच इज परफेक्टली परफेक्ट एंड विच इज परफेक्टली इम परफेक्ट तो जी नहीं ऐसा कोई भी साइकिल नहीं है जो परफेक्टली परफेक्ट perfect होता है जस्ट ए सेकेंड जो परफेक्टली परफेक्ट होता है देर पर्फेक्ट आर कुछ ना कुछ लूप होल्स तो रह ही जाते हैं तो ऐसा कोई भी साइकिल नहीं है जो परफेक्टली परफेक्ट perfect हो तो इसलिए कोई भी साइकिल जो है वो परफेक्टली परफेक्ट perfect नहीं होता है लेकिन क्योंकि लूप होल्स हमेशा ही रहते हैं तो हम मानते हैं कि अगर उन लूप होल्स को अगर हम कंसिडर ना करें तो उसको अगर साइड पे रखा जाए तो आपके गैशियस साइकिल जैसे आपका कार्बन साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल है उनको हम मान सकते हैं परफेक्ट साइकिल लेकिन रियलिटी में कोई भी साइकिल परफेक्ट नहीं होता है ठीक है जी चलो अब हम बात करेंगे आपका सबसे पहले साइकिल के बारे में दैट इज द गैशियस साइकिल ठीक है किसके बारे में बात करेंगे अभी हम सबसे पहले बात करेंगे आपका गैशियस साइकिल के बारे में गैशियस साइकिल के एग्जांपल्स अगर हम बात करें लाइक आई टोल्ड यू कि इनका रेजर्वयर क्या होता है वाटर या एटमॉस्फेयर तो एटमॉस्फेयर के हिसाब से इट कैन बी अ कार्बन साइकिल इट कैन बी अ नाइट्रोजन साइकिल और वाटर की बात करें तो वाटर साइकिल हो सकता है ठीक है आज की क्लास में हम बात करेंगे आपका सी ओ टू साइकिल सॉरी सी ओ टू साइकिल के बारे में और एक आपका वाटर साइकिल के बारे में नाइट्रोजन साइकिल को हम नेक्स्ट क्लास में टेकअप करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे ईजी दैट इज योर वाटर साइकिल वाटर साइकिल इज द इजिएस्ट देखो वाटर साइकिल में आपका कोई भी आपको रॉकेट साइन समझने की ज़रूरत नहीं है आप सिर्फ़ एक ही चीज़ याद करें क्या आपने बचपन में कुछ इस प्रकार की तस्वीरें बनाई हैं तो अगर आपने इस प्रकार की तस्वीरें बनाई हैं तो आपको जो है हर चीज़ समझने में आसानी हो जाएगी ठीक है ठीक है ये आपने बचपन में बनाया था और यहाँ पे हम एक सन को भी बना देते हैं ये बचपन में हम बनाते थे ना कि सन की रेस पड़ती हैं पानी के ऊपर फिर पानी से इवेपोरेशन होता है ये पानी जैसे जैसे ऊपर जाता है ये गर्म पानी जो है ऊपर जाके कूल डाउन होता है सॉलिडिफाई होता है और फिर ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो एक एक करके एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं ये जो गैशियस देखो सबसे पहले वाटर टू गैशियस मतलब लिक्विड टू गैशियस का सफ़र इट इज़ कॉल्ड एज एवेपोरेशन गैशियस टू लिक्विड का सफ़र इट इज़ कॉल्ड एज कंडेंसेशन ये जब कंडेंसेशन होता है उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स होता है जब क्लाउड्स फॉर्मेट फॉर्मेशन उनका हो गया एक ऐसा पॉइंट आता है जब क्लाउड्स हो जाते हैं सैचुरेटेड मतलब ये और ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स को क्या नहीं कर सकते एक्यूमुलेट अपने अंडर नहीं कर सकते दैट इज़ द टाइम वन दीज क्लाउड्स ब्रेक ब्रेक भी नहीं बट uh, क्योंकि ये वाटर को और ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते तो ये इन द फॉर्म ऑफ वाटर दैट इज़ प्रेसिपिटेशन के, के वजह से जो है ये पानी जो है वो वापस से ज़मीन पर आ जाता है दिस इज़ कॉल्ड एज़ रेनफॉल या फिर हम इसको प्यार से प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं देखो रेनफॉल मैंने पहले इसीलिए बोला क्योंकि प्रेसिपिटेशन क्या होता है ना जब किसी भी फॉर्म में ऊपर से पानी नीचे को आए दैट इज़ कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ रेनफॉल हो रेनफॉल इज़ वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आपका आइस आपका ओले स्लीट आपका हेल स्ट्रोम्स दे दे आर वॉट दे ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन सो रेनफॉल इज़ नॉट दी ओनली फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इट इज़ वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन सो ये जो आपने देखा ना नीचे से पानी ऊपर और फिर जब ऊपर पूरा का पूरा सैचुरेशन आ गया हंड्रेड परसेंट ऊपर हो गया एक्यूमुलेट और ज़्यादा वो अपने अंदर जो था वो वॉटर को समा नहीं सकता था फिर ये जो पानी का वापस से गिरना है दिस इज़ वन साइकिल दिस वॉटर अब इसमें वॉटर जो है उसका रिसाइकलिंग हो रहा है ऊपर गया रिसाइकल हुआ नीचे आया दिस इज कॉल्ड एज वाटर साइकिल या फिर हम इसको प्यार से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कह सकते हैं सो हाइड्रो लॉजिकल या लॉजिक साइकिल भी इसको कह सकते हैं किसको जी वाटर साइकिल को एम आई क्लियर ऑल राइट आई एम इज्यूमिंग दैट आई एम आई एम एबल टू क्लियर यू गाइस ठीक है ऑल राइट सो नेक्स्ट आप जो है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइकिल है आपका कार्बन का साइकिल ठीक है कार्बन साइकिल देखो सबसे पहले तो कार्बन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर कार्बन नहीं होगा तो जो आपका आ, क्या कहते हैं लाइफ है ना दैट नॉट सस्टेन ऑन अर्थ वाई क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को ही तो इनहेल करके जो आपके यू नो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं राइट right. और जब वो खाना बनाते हैं तो ऑक्सीजन बाहर जाता है उनका सर्वाइवल होता है उनके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं उन्हीं का ही जो ऑक्सीजन एज दी एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसी को हम इंटेक करते हैं तो हम सर्वाइव करते हैं सो so, कार्बन कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए ये हमको पता है और कार्बन जो है वो हमारे एटमोसफेयर का जीरो तक का जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है ठीक है नाउ कार्बन साइड साइकिल क्योंकि ये एक गैशियस साइकिल है और गैशियस साइकिल आपके परफेक्ट साइकिल्स में आता है तो इसका जो टाइम पीरियड है ऑफ रिसाइकल इट इज़ कंपेरेटिवली लो तो आप लगा लीजिए ये जो आपका कार्बन साइकिल है ना ये आपके 200 सालों में पूरा का पूरा रिसाइकल हो जाता है क्लियर हो गया अब ये कार्बन साइकिल बेसिकली आपका है क्या सिंपल से इसको समझना है अब Uh, इसको समझिए आप इस तरीके से जैसे कि ये आपका प्लांट है ठीक है ये आपका प्लांट है राइट इसने कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर इनटेक किया ऑक्सीजन को बाहर लिबरेट किया राइट एम सो सॉरी ऑक्सीजन को बाहर लिबरेट किया इसी ऑक्सीजन के ऊपर वॉट हैपन इज इट हाँ ओके इसी ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो बाकी ऑर्गेनिज़म्स डिपेंडेंट हैं अब ये जो है ऑक्सीजन भी छोड़ रहा है और ये आपका एनिमल्स भी हैं जो इसके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है तो ये इनको खाएंगे अब ये वाला एनिमल मिल मर गया मतलब इसका जो कार्बन न्यूट्रिएंट था वो इसकी बॉडी के अंदर चला गया राइट अब यही जो बॉडी है वो कोई और इसको खाएगा तो उसकी बॉडी में चला गया अब ये ऑर्गेनिजम समझ लो कि मर गया और इसके ऊपर डिकम्पोजर्स जो थे वो एक्ट करना शुरू कर गए डिकम्पोजर्स इसको मार देंगे मारने दें मतलब छोटे 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 ऑर्गेनिक मैटर में इसको कन्वर्ट कर देंगे जब उस ऑर्गेनिक मैटर में उसको कन्वर्ट कर दिया ऑर्गेनिक मैटर क्यों होता है जो कार्बन वाला होता है राइट अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये आपका क्या होगा सॉइल में जाके मिल जाएगा जब सॉइल में जाके मिल जाएगा तो इसी सॉइल में वापस से आपके प्लांट्स उग जाएंगे दिस इज़ कॉल्ड एज अ कार्बन साइकिल वन ऑफ द कार्बन साइकिल्स एक और कार्बन साइकिल आपका हो सकता है जैसे कि आप लगाइए आपके जो uh, एक सेकेंड वट इज हैिंग ओके चलो जैसे कि इसके अलावा एक आपका ये साइकिल ये आपका सिंपल साइकल हो सकता है इसके अलावा आपका साइकिल क्या हो सकता है जैसे कि अगर हम मार्शी एरियाज़ के बारे में बात करें मार्शी मतलब कि जो आपका कीचड़ वाला एरिया होता है अब वहाँ पे जैसे कि ये आपके मैनग्रूव्स हैं जो क्योंकि मोस्टली वो माशी मोस्टली नहीं मार्शी एरियाज़ में ही होते हैं अब उनके जो डेड ऑर्गेनिक जैसे कि डेड लीव्स वगैरह नीचे गिरते हैं तो उनके ऊपर आपके यू you नो know, डीकम्पोजर्स डेटरी जो है वो डेट्रीटस जो है वो उसके ऊपर एक्ट करेंगे अब एक्ट करते हैं राइट अब समझ लो कि ये मार्शी एरिया में है ठीक है अब ये जो है वो आपके नीचे वाले ज़मीन पर गिरा अब उसके ऊपर सोइल एक्यूमोलेशन हो गया वो पानी के अंदर चला गया सो जो इसके ऊपर ऑर्गेनिज्म जो ज, जो डेटरीटर्स ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर फीड करने थे वो इसके ऊपर फीड नहीं कर पाएंगे क्यों क्योंकि वो जो है वो नीचे चला गया और उसको ऊपर से जो है वो लेयर ऑफ सॉइल या वाटर उसने उसको कवर कर दिया हुआ है इस केसेस में क्या होता है इन केसेस में एरोबिक बैक्टीरिया इसके ऊपर फीड नहीं करता डेट्रीटस फीड नहीं करता इन केसेस में इसके ऊपर एनरोबिक बैक्टीरिया जो है इसके ऊपर फीड करता है एनरोबिक क्या होता है वो बैक्टीरिया जो अपना काम इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी कर सकते हैं वो वाला बैक्टीरिया इसके ऊपर फीड करेगा तो कार्बन जो है अब ये इसको ब्रेक डाउन करेगा तो ये क्या हो जाएगा ये कार्बन रिच सॉइल जो है वो वहाँ पे बन जाएगी मतलब कि पीट फॉर्मेशन या पीटी सॉइल जो है वो यहाँ पर बन जाएगी इसके अलावा अगर हम बात करें अगर आप अपना डीप ओशंस को देखें ठीक है डीप ओशंस को अगर हम देखें तो उधर क्या होता है उधर आपके ऑर्गेनिज़म्स होते हैं ऑर्गेनिज़म्स में क्या होता है देखो वो अपने जो है वो पानी से ऑक्सीजन का इंटेक कर रहे हैं कार्बन को बाहर निकाल रहे हैं राइट ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं उसके अंदर आपके फाइटो हैं जो ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक भी हो रहा है डीप सी में और ऑक्सीजन का एक्जेल भी हो रहा है कार्बन का इंटेक भी है एक्जेल भी है ऑक्सीजन का भी इंटेक भी है और एक्जेल भी है दोनों प्रोसेसेस हो रहे हैं अपने आहिस्ता आहिस्ता लेकिन जैसे कि Uh, आपका एक तो आ गया सिंपल रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है इसके अलावा जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि जिनकी स्केलेटन बॉडी होती है जब वो मर जाएंगे तो उनका स्केलेटन क्या है वो कार्बन ही तो है कैल्शियम ही तो है दैट कार्बन दैट दैट योर यू नो क्या बोलते हैं उसको कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपके पानी में जाके मिल जाएगा जो आपके स्केलेटन का पार्ट था और फिर वही कार्बन जो है वो आपके फाइनली जो है वो ओशन में या जो भी सी है वाटर में जाके वो मिल जाएगा सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द फॉर्म्स जिसमें कार्बन का रिसाइकल हो रहा है इसके अलावा आपका कोलिफिकेशन कोलिफिकेशन ना व्हाट इज कोलिफिकेशन कोलिफिकेशन का मतलब होता है कोल फॉर्मेशन कोल फॉर्मेशन क्या होता है जैसे कि आपके ये पेड़ वगैरह थे ना बहुत मिलियन ईयर्स पुरानी ये बात है जब आपके ये पेड़ वगैरह होते थे एक पॉइंट के बाद ये जो है वो जमीन के अंदर जाके ढस गए ठीक है अब ये जब इसके अंदर यू you नो know, जाके समा गए अब इसके ऊपर रन ऑफ है रन ऑफ मतलब कि पानी है सूरज की किरने हैं ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर फीड कर रहे हैं तो इनका ब्रेकडाउन ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन ब्रेकडाउन ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन जो है वो होते जा रहा है एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये जो ट्रीज प्लांट्स ये जो मैटर था ये अपना फॉर्म बदल कर कोल में तब्दील हो जाते हैं दिस इज कॉल्ड एज कोलिफिकेशन अब ये कोई ये नहीं कि रात तो रात ही आज सुबह देखा पेड़ नीचे गिरा तो सुबह देखा तो वहाँ पे कोयला बन गया ऐसा नहीं होता इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ यूर्स ये सब चीज़ें होने के लिए सो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस सो दिस इज वॉट दिस इज़ योर क्या बोलते हैं उसको फॉर्म्स ऑफ कार्बन साइकिल अब देखो अब आपने अगर शायद मेरे को ध्यान से सुना है तो आपने ये चीज़ नोट की होगी जो हमने वाटर साइकिल पढ़ा वो कंपेरेटिवली जल्दी होता है सो दैट इज़ अ परफेक्ट साइकिल हमने आपका जो इसके अलावा जो हमने ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला पढ़ा इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एग्जेल ऑफ ऑक्सीजन वो भी आपका कंपैरेटिवली शॉर्ट टर्म साइकिल है मतलब वो भी परफेक्ट साइकिल है लेकिन साइकिल्स जिसमें आपका डीप ओशन वाला है स्केलेटन वाला जो हमने चीज़ पढ़ी मार्शी एरिया वाली जो चीज़ पढ़ी हमने ये जो कोलिफिकेशन पढ़ी ये इसको सालों साल लग जाते हैं मिलियन ऑफ ईयर्स जो हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जो हैं वो इनको लग जाते हैं सो दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म साइकिल लाइक आई सेड इन द बिगिन Meaning that there is no perfect पर परफेक्टली परफेक्ट साइकिल हर एक साइकिल में कुछ ना कुछ लूप होल्स रहते ही रहते हैं सो गैशियर साइकिल जो जिसका एक फॉर्म कार्बन साइकिल है और गैशियर साइकिल जो एक परफेक्ट साइकिल है शॉर्ट टर्म साइकिल है उसमें भी लूप होल्स हैं और इस कार्बन साइकिल में भी दो साइकिल्स आते हैं आपके शॉर्ट टर्म साइकिल्स और आपके लॉन्ग टर्म साइकिल्स और हमने जो है अभी आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म साइकिल्स को पढ़ लिया है ठीक है सो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपका नाइट्रोजन साइकिल के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे आपके सेडिमेंट्री साइकिल के बारे में दैट इज़ योर फॉस्फरस सल्फर उन सब साइकिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे एंड डू नॉट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू